बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान फानी प्रचंड रूप लेकर ओडिशा के तट पर पहुंच चुका है और इसके चलते सबसे पहले ये तूफान ओडिशा के पूरे तट से टकरा चुका है। ओडिशा में समय तेज बारिश हो रही है और वहीं नुकसान को लेकर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चक्रवाती तूफान फानी के मद्देनजर करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, जबकि आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से निपटने के लिए कई जगहों पर तैनात किया गया। फानी की वजह से रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी खासा प्रभाव दिखा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात तूफान फानी के उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना भी है और शनिवार की शाम तक ये चक्रवाती तूफान बांग्लादेश में प्रवेश कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने भी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर चक्रवाती तूफान फानी से जुड़ी सभी तैयारियों की समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और IMD NDRF NDMA सहित PMO के दूसरे सीनियर अधिकारी गण भी इस बैठक में मौजूद रहे।